नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। एरिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो ये एनजीओ है, ये 2014 में रजिस्टर्ड होके है। यह के मेन ब्रांच को मगरी रोड में ही है एनजीओ। हम एक ब्रांच है क्या वास्ते लेला कहेंगे तो इधर हमारे बैसंद्रा वार्ड में ना एक एनजीओ है, ना एक ट्रस्ट है, कुछ भी नहीं है। इधर के आवाम बहुत सारे आदमियाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। अब क्या बोले थे एनजीओ का मेन बनाने का या ऑफिस ओपन करने का मकसद क्या है कि तो अब जो भी देखो तुम्हें आधार कार्ड बनाना बोले तो क्या करना, ऑनलाइन करना। ऑनलाइन के वास्ते जो पढ़े लिखे ही जो भी हैं अच्छा उन्हें जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन में कर लेते हैं। जो आइडेंटिटी कार्ड का जो इश्यू है, आइडेंटिटी कार्ड बनाने का रहता है, उसे भी ऑनलाइन। और जो चीज़ तुम्हें बनाने का गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो जो भी बनाना पड़ता है उन्हें क्या करती है ऑनलाइन करना पड़ता है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड ग्रेजुएट जो ही उन्हें होना तो कर ले सकते हैं। जो जो नहीं पढ़ पा रहे तो उनके वास्ते या गरीबों के वास्ते ही एनजीओ ओपन कर कोई स्वामी है। और इसके अंदर तुमना गवर्नमेंट्स के जो माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स जो भी रहती हैं वो स्कीम्स हमें गवर्नमेंट से ले लगा को इधर जो आवाम है हमारे बैसंद्रा वार्ड की जो आवाम है उन तक पहुँचाने के वास्ते ये एनजीओ खोलने का हमारा मकसद है। और एनजीओ हमें आज इसी ओपनिंग करे, आज ऐसा दिन में कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे का कॉन्स्टिट्यूशन डे आज एनजीओ ओपनिंग करेंगे, उसका ब्रांच ओपनिंग है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे ऐसा दिन है हमारा, इसके वजह से हमने क्या करें आज सुबह में गवर्नमेंट स्कूल से जो प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके वास्ते हमने 500-600 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करे इधर बच्चे के वास्ते। क्योंकि तो जो 2020 में जो कोविड का जो सिचुएशन है वो सब लोग तुम्हें जानती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके पास पैसा है किसके पास पैसा नहीं है। तो एजुकेशन मेन है, हर आदमी को क्या होना आज के माहौल में एजुकेशन होना। उसके वास्ते जो एजुकेशन को जो चीज़ें हैं जो हमारे एनजीओ के हाथ से हमारी ताकत से जो हमें ये हमें बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, आइंदा हमें और भी बच्चे के वास्ते लोन्स स्कॉलरशिप ऐसे बहुत सारे स्कीम चेक कर ले कोई रिलेटेड इसके बहुत सारे सोच हुई इसके ऊपर हमें ये एनजीओ के ऊपर हमें एनजीओ के नाम से हमें काम करना चाहिए। ये पासपोर्ट है, पैन कार्ड की सर्विसेज है, ये सब फ्री है। हाँ, ये जो भी है इधर जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड करी है फुल ऑफ कॉस्ट फ्री है, इसमें क्या भी पैसा नहीं है। क्यों बोले तो एक पब्लिक की एक सेवा करेंगे अगर को हमारा एक मकसद है हमारे बैसंद्रा वार्ड के अंदर है हमें वो काम करेंगे अगर को हमें एनजीओ ओपन करना। क्या ये सिर्फ बैसंद्रा वार्ड के लोगों के लिए है या नहीं? हर आवाम आ सकती है इधर पे। एनजीओ बोले तो ऑल ओवर कर्नाटका में किधर भी, लेकिन मेन हमारा जिस मोहल्ले में हमें जिस जगह पर ही वो आवाम के वास्ते पहले, बाद में नेक्स्ट दूसरे के वास्ते। लेकिन ऐसा नहीं कि बैसंद्रा वाले चलना दूसरा आना अगर को नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, सब जन इसका फायदा उठा कर जा सकते हैं। आपका नाम सर? ताज खान, सोशल वर्कर, और एनजीओ में मैं डायरेक्टर हूँ। शुक्रिया।